दरभंगा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग में अचानक आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। विभाग में मरीज भर्ती थे, सभी मरीज भाग निकले, जहां अफरा तफरी के बीच लोगों ने भी आग बुझाने में सहयोग किया। वहीं फायर ब्रिगेड की भी गाड़ी पहुंचकर आग बुझाने में लग गए हैं। वहीं आपको बता दें कि मेडिसिन विभाग में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद मेडिसिन विभाग में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि आग कैसे लगा इसका अभी कुछ पता नहीं चल पाया। आइए जानते हैं घटना को देखने वाले लोगों ने क्या कुछ कहा। भर्ती है प्राथमिक सभी के हैं, और उस टाइम में जो है कुछ लोगों ने बताया कि आग लगी, तो हम लोग आकर के देखे, काफ़ी ज़्यादा लपट उठ रही थी आग की, और काफ़ी लोग जो पेशेंट हैं उन लोगों ने बाल्टी में पानी भर के जहाँ तहाँ, उस टाइम में लाइट भी कट गई थी, तो यहाँ पे समर्सिबल भी है, तो यहाँ से जो है कुछ पानी का कोई व्यवस्था था नहीं, तो भी पेशेंट में ही मतलब आम आदमी जो है बाल्टी से पानी उठा उठा कर कोशिश की है जा करके कि वो आग को बुझाया जाए। उसके बाद फिर जो फायर ब्रिगेड का जो छोटा छोटा बॉक्स होता है फिर उससे भी बुझाया गया, लेकिन तब भी कंट्रोल नहीं था। फिर भी जो है ज़्यादातर करके आदमी सब आए, जो पेशेंट के जो थे और पेशेंट इधर उधर भी हो रहे थे, लेकिन ज़्यादातर के कोशिश किए जो पेशेंट को जो पेशेंट के आदमी हैं वो लोग कोशिश किए कि बाल्टी से जो है वो पानी से बुझाएं उनको। मतलब यहाँ पे क्या लोगों के सूझबूझ से आग बुझाया गया? जी हाँ बिल्कुल। ये आग कैसे लगी थी, कुछ ऐसा आइडिया? मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं दूसरे वार्ड में था, मेरे मामू हैं यहाँ पे एडमिट है, तो कुछ भगदड़ मच गया। जी जी भगदड़ मच गया, तब उधर हमारा ध्यान गया तो देखते कि एकदम धधा रहा, तब हम लोग भी अपना थोड़ा उधर संभाले, अपना पेशेंट भी अंधा कैसे ले गए। आपका पेशेंट इसी रूम में था? हाँ यहाँ पर हमें। क्या नाम था पेशेंट का? सोन देवी। आपका नाम? कृष्णानंद चौधरी। कहाँ से आए थे? गोविंदपुर। और किस तरीका से लगा है ये कुछ बतला सकते हैं? ये हमको नहीं पता है, वहाँ कोना में खूब जोर से धंधा हो रहा था और किसी से कंट्रोल नहीं हो रहा था वो। अच्छा, आग लगा। क्या चीज़ का आवाज था? ट्रांसफार्मर उड़ने का। जहाड़ा साहब आए फिर देखने के, उसे किए फिर आओ तेज आग लग गया। आपका कोई पेशेंट था यहाँ? कैसा अफरा था? बहुत अफरा तफरी हो गया होगा यहाँ? हाँ उस टाइम तो सारे बैठ लेते। क्या नाम हुआ आपका? मेरा आकाश कुमार। नहीं सर आपको आया है तो हम तो आइए हैं उसी लिए से। बच गया है इसलिए इसका कुछ उद्धार होना चाहिए, और जब तक मास्टर प्लान के हिसाब से कोई नया बिल्डिंग नहीं बन जाता है तब तक तो हमको इसी से काम चलाना है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि अब नए सिरे से फिर से इलेक्ट्रिकल सर्किट जो भी है उसको दुरुस्त कर दिया जाए, या नया सिरा से इसको फिर से वायरिंग कर दिया जाए। पहले भी हम लोगों ने लिखा है, लेकिन पहले जो कि लिख रहे भी थे तो उसका बहुत ज़्यादा पता था कि अब इनको लोग रिपेयर करके काम चला रहे थे, लेकिन अब तो चूँकि इस बिल्डिंग को रहना है जब तक कि मास्टर प्लान के हिसाब से नहीं बनता है, तो इसलिए हम चाहेंगे कि अब हमारा ये बिजली का जो लाइन है उसको पूरा बढ़िया से दुरुस्त हो जाए। सर आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट ही बताया जा रहा है, जो भी टेक्निकल लोग हैं यही बोल रहे हैं, लेकिन वार्ड बॉय डॉक्टर स्टाफ की तत्परता के चलते कंटेनमेंट भी नहीं हो पाई, बहुत बड़ी बात है दादा। सारे लोग थे, फायर ब्रिगेड को तो आने में टाइम लगेगा, खबर किया गया आएगा, लेकिन तब तक यहाँ का ही लोग जो थे डॉक्टर स्टाफ सारे लोग उसको बिताए, लेकिन हमको तो अब इसकी चिंता है ना कि भविष्य में ऐसा नहीं हो। जी जी एक बात तो हो गया, अब अगला बार नहीं हो, उसके लिए हम उपाय करना है। अभी तो बिजली के ऑफिस से बात करके करवाते हैं, फिर टोटल रिमेडी के लिए पर्याप्त करेंगे।